डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फंक्शनल वर्सेस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जब भी हम SRS डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी पड़ती हैं रिक्वायरमेंट फेज में कि व्हाट आर दी वेरियस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आर दी वेरियस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ टारगेट सिस्टम। मतलब जो सिस्टम आप बना रहे हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्पेसिफाई करो, ताकि जब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम जब फाइनली बनेगा तो हम उसको मैच कर सकें कि यस, जो हमने इनिशियली सोचा था क्या वो एज इट इज सिस्टम बना है या नहीं बना। तो इसीलिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाती हैं चीज़ें कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, मतलब उसकी जो वर्किंग है, उसका जो ऑपरेशन है, वो सारी की सारी जो है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। और इसमें सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कार का एग्जाम्पल है। अब कार का डिज़ाइन बनाया, कार आपने पूरी मैन्युफैक्चर कर दी, सारे स्टेप हो गए। अब आप चाहते हो कि उसकी फंक्शनल, मतलब उसका जो चीजें कैसे वर्क करेंगी, मतलब पहले गियर में डाला तो कैसे दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, चौथे गियर में, पांचवें, कितने गियर सिस्टम होंगे उसके अंदर, या फिर उसका ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर लो, एग्जॉस्ट सिस्टम की बात कर लो, उसकी जो वर्किंग है वो सारी की सारी जो है वो एक तरह से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ जाता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अदर देन वर्किंग। मतलब ठीक है, मैं कार में बैठ गया, ऑन कर दी कार, चलानी स्टार्ट कर दी, पहले गियर में चल रही है, दूसरे में चल रही है, अगर मैनुअल है, अगर ऑटोमेटिक है तो ठीक है, उसमें तो बिना गियर के भी आप नॉर्मल चला सकते हो। मतलब चीज़ें जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं, आप कट मार रहे हो, कट भी हो रहा है, ब्रेक मार रहे हो, ब्रेक भी चल रहा है, एग्जॉस्ट सिस्टम भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, AC भी वर्क कर रहा है उसका, सारी चीज़ें आपको पता लग गया, वाइपर वर्क कर रहा है, तो ये सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ गया। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मेनली क्या आ जाता है, जैसे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब ऑब्वियसली आपने सुना होगा ना, जैसे कार्स वगैरह का क्रैश टेस्ट, ब्रेकिंग टेस्ट किया जाता है कि भैया अगर इतनी स्पीड से कार इस चीज से टकराएगी तो कैसे वो वर्क करेगी, मतलब उस केस में क्या उसका फ्यूचर होगा, तो सिक्योरिटी टेस्ट। ठीक है, ऐसी अगर हम सॉफ्टवेयर के टर्म में बात करें तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर बनाया, चाहे एप्लीकेशन बनाई, चाहे वेबसाइट बनाई, आपको उसका सिक्योरिटी चेक लगाना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो सिस्टम आपने लॉन्च किया और दूसरे दिन ही किसी ने हैक कर लिया और सिस्टम ही ठप कर दिया, डिनाइल ऑफ सर्विस लगा दी अटैक, मतलब कुछ भी इस तरीके से सिक्योरिटी चेक। स्टोरेज, बैक एंड पे आप डेटाबेस को कैसे स्टोर कर रहे हो, कितना फास्ट आपका डेटा एक्सेस हो रहा है, कितना अच्छा रिस्पांस टाइम है, ये सारी चीजें आपको स्टोरेज के अंदर। और फिर आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि आप किस तरीके का डेटाबेस यूज कर रहे हो, किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को, मतलब कौन कौन से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, जैसे अगर हम बात करें सर्वर्स हैं, कौन से सर्वर्स को यूज कर रहे हो, कितने लेटेस्ट सर्वर्स को यूज कर रहे हो, तो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस आ जाती हैं। परफॉर्मेंस वही हो गया, स्पीड वगैरह आ जाता है कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैंने क्लिक किया किसी बटन के ऊपर और 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, नेक्स्ट पेज ओपन ही नहीं हो रहा, तो हम चाहते हैं कि रिस्पांस टाइम जो है वो कम से कम होना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि डिले कम से कम होना चाहिए, रिस्पांस जल्दी से जल्दी जो है वो आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन करे। कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई और बराबर में कोई राइवल है जो कम कॉस्ट में उस चीज़ को बना रहा है, तो ऑब्वियसली वो भी एक प्रॉब्लम है। कॉस्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे सिंपल से एग्जांपल दूंगा इलॉन मस्क का ही, क्योंकि उन्होंने जो अपने वो सारे सैटेलाइट्स वगैरह जो लॉन्च किए, जो रॉकेट सिस्टम बनाए, वो कॉस्ट के दम पे ही सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। इवन नासा जो है वो उनको यूज़ कर रहा है क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो वर्क किया। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब ऐसा ना हो कि यार आपके जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, तो आपस में कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, आज 100 लोगों के लिए यूज कर रहे हो अपना सिस्टम, कल को अगर आपके यूजर 1 लाख हो गए, ऑब्वियसली हर कंपनी चाहती है मेरा यूजर बेस जो है वो बढ़े, यूजर बेस जो है वो बढ़ना चाहिए, तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो उसको सपोर्ट भी तो करे ना, तभी फायदा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कह सकते हो या फिर स्केलेबिलिटी। डिजास्टर रिकवरी, प्रॉब्लम तो आएंगी जब सिस्टम आपका लाइव चलेगा, तो प्रॉब्लम तो उसमें आएगी, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आउटेजेस आ सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि आउटेज आ गया और 10 दिन हो गए आपकी सिस्टम ही बंद पड़ा है। जैसे होता है ना गूगल फेसबुक, 5 दिन के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 दिन के लिए तो हो ही नहीं सकता, 5-10 मिनट के लिए भी अगर बंद हो जाए तो वो भी न्यूज़ में आ जाता है कि हाँ गूगल वॉज डाउन फॉर 10 मिनट्स, तो वो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, पैसों की टर्म में भी लॉस है और कहीं ना कहीं ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी की टर्म में भी लॉस है, तो वो कभी भी इस केस को, डिजास्टर के केस में रिकवर जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे। एक्सेसिबिलिटी, कौन एक्सेस कर रहा है, जो वैलिड यूजर्स हैं क्या वही एक्सेस कर रहे हैं, उनमें भी डिफरेंट
डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स होते हैं, कोई एक मतलब डीबीए काइंड ऑफ यूजर है, कोई मैनेजर है या कोई लो लेवल इंप्लॉई है, तो किस तरीके से उनको एक्सेसिबिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। थैंक यू।